ब्लैक पिंक की पाठशाला के पार्ट वन में हमने देखा कि यहाँ पर रबर गुम होने का रिकॉर्ड है और पेंसिल नीचे गिरते ही गायब हो जाती है, जैसे मानो अरे हाँ हाँ ये हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कोई नया माल मसाला नहीं है तो भागो यहाँ से। लगता है सर सो गए हैं, अभी टाइम है, दबे पाँव सारी चॉकलेट ले लेती हूँ, सर को पता नहीं चलेगा। सर वो ललिता, अरे ये क्या किया, किसने मेरी तपस्या को भंग करने की जुर्रत की? लगता है छोटे छिलके ने छिपकली खा ली। लगता है सर आप एशियन ड्रामा बहुत देख रहे हैं, है ना? ऐसे बेबुनियाद सवालों के मैं उत्तर नहीं देता, ये मेरी नीति में नहीं है। मुझे भी पसंद है, ऐसे शर्माइए मत, बता दीजिए हम मूवी थिएटर में जाकर हॉरर वाली देखेंगे। बकवास बंद करो, आज तुम्हारे टेस्ट हैं। अरे वाह सर कितना अच्छा बोलते हैं। लेकिन आज तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। हाय गुरे, तो पहले टास्क में तुम लोगों को बारी बारी डांस करना होगा। लेकिन सर हमें छपरियों वाला और छमिया वाला, इन दोनों में से कौन सा डांस करना है? इस पहेली को अब मुझे सुलझाना ही होगा, इस बच्चियों को दिखाना होगा अपना असली रूप। कम ऑन राजू, तुम कर सकते हो, मेरा मतलब सर। ईश्वर इस नादान की सारी गलतियों को माफ करे। ये हो गया, मैं चालू। आया पाँच, छपरी अब तुम नाच। सो सेक्सी। लगता है सर ने सच में छिपकली निकल ली। ओ सर तो सच में इन कपड़ों में थूका हुआ पान लग रहे हैं। नहीं वो मुंह से निकली हुई पान की पिचकारी लग रहे हैं। हे तुम तीनों 5 मिनट के लिए अपने गटर पर शटर डाल सकती हो। देखो सर वहाँ चले गए। सर आप आउट ऑफ स्टेडियम जा रहे हैं। रुकिए सर आप धूमकेतु से टकरा जाएंगे। अरे सर तो बाहर चले गए, सर यहाँ पर आइए। लगता है अब ये एटम बम फूटने वाला है, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। अरे नहीं। हाई गुरे। घोर कलयुग, अब मैं दोबारा तुम रूप सुंदरियों से मोहित नहीं होऊंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे कैसे कैसे डांस करने पड़ते हैं, तुम्हें पता है ना? सर वो छमिया वाला डांस आपने सिखाया नहीं? क्या वो सब भी मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? इस राजू पे थोड़ा रहम करो भाई। सर हमें भाई क्यों बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिना हार्ड डिस्क के कंप्यूटर को और कुछ जाने की जरूरत नहीं, इसीलिए अपना मुँह बंद रखो। और हाँ मुस्कुराओ ताकि फोटो अच्छी आए, है ना? मेरी बारी है, लगता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जिसुरानी यहाँ पर आकर बैठ जाओ। आज तक इन जोकरों ने सिर्फ छमिया वाला डांस ही देखा है, लेकिन आज मैं इन लोगों को बताऊंगी कि असली डांस किसे कहते हैं। ये है मेरा नापतोला हमला, ये चकास जैनी छोटे से मैदान में गोल्फ खेलेगी। लेकिन छोटे से मैदान में गोल्फ कौन खेलता है बताओ मुझे? हर कबूतर मरने से पहले ऐसे ही फड़फड़ाता है। देखो आज तुम लोग जकास जैनी का जकास डांस देखने वाले हो। ये तो फ्री का मसाला है। हाई गुरे। ललिता फ्री नाम फ्री है, लेकिन फ्री का कुछ भी नहीं होता, इसके पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। ये यहाँ पर। अरे तुमने बंद क्यों किया, तुम कितना अच्छा कर रही थी, मुझे भी मजा आ रहा था। लेकिन सर मेरे प्रीमियम जकास डांस का सब फ्री में मजा लूट रहे थे, तो ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ, आप ही बताइए मुझे। देखो तुम बहुत अच्छा कर रही थी और तुम्हारे 20 मिनट अभी बाकी हैं, तो 20 मिनट में तुम जितनी टिकट बेचना चाहती हो उतनी बेच दो, और मैं भी तुम्हारी टिकट खरीदूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा पैसे मिले। जाओ अभी, वहाँ पर लोग हैं। सर एक बात बक्की, आपको मजा करना नहीं आता। लेकिन सर अब टाइम अप हो चुका है, तो आप दूसरे की बारी ले लीजिए। सर मुझे टॉयलेट जाना है, तो जल्दी बोलिए। देखो अभी 20 मिनट बाकी है, तो उसके हिसाब से उसे कम पॉइंट्स मिलेंगे। वो ये जकास जैनी छोटी मोटी खरूच उसे नहीं डरती, समझे? मेरी बारी कब आएगी। लगता है अब मेरी बारी है। ये ललिता अब आपको अपना जलवा दिखाएगी, तो देखिए जलवा है कोई हलवा नहीं, तो इसे हलवा समझकर खा मत जाइए। पहले की तरह ये ललिता ललिता नहीं रही, अब ये ललिता लीजा हो गई है। तो गौर से देखिए इस चेहरे को, मेरा मतलब पिछवाड़े को। हाँ ये तो वही है, ये ललिता लीजा छपरियों वाला डांस करेगी। चिकन लेग पीस। शोला भर के अंगारे जले, पता नहीं क्या था लेकिन हो गया। कितनी जल्दी समय बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ कितना मजा आया, लेकिन ललिता ने लगता है समय को ही फ्राई कर दिया, इसलिए ये देखो लाल हो गया है तंदूरी की तरह। इसने समय को ही ब्रेक कर दिया, देखो ललिता ने तो टाइम का ही बैंड बजा डाला, मैंने मतलब गेम बजा दिया। अब कौन एरा गेरा नतू गेरा बचा है, जल्दी से अपनी बारी खत्म करो। हा? ये क्या सर ने बोल दिया, बिना हार्ड डिस्क के सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। अब ये छपरी रोज नागिन डांस करने वाली है,
तो गौर से देखो, एक समय ही ऐसी गुत्थी है जिसे कोई भी सुलझा नहीं पाया है, और आज इस समय को ही छपरी रोज मर गई। डायलॉग बहुत लंबा था, मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं, और क्या करूं मैं। छपरी बेटा, अब तुम रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। ये मैंने समय की गुत्थी को सुलझा लिया, देखा मैंने कितने अच्छे तरीके से सुलझा लिया, मुझे ज्यादा डांस भी नहीं करना पड़ा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबसे कम मार्क्स मिले हैं, तो आज की विनर है छपरी रोज। हैं, ये मैं क्या देख रही हूँ। हाँ, तुम जीत गई हो, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा लेकिन तुम जीत गई हो। तो क्या मेरा प्रीमियम डांस फालतू था? सर आप वहाँ पे क्या देख रहे हैं मुझे भी बताइए। प्राइजेस देने वाला हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला क्योंकि तुमने ये टेस्ट अटेंड ही नहीं किया, ठीक है? इसीलिए फालतू में लेने मत आ जाना कुछ भी। और जो फर्स्ट रैंक पर है उसका नाम है, ये क्या है, चिसुरानी। अरे ये कैसे हो सकती है, इसने तो पार्ट भी नहीं लिया। ओ मेरा मतलब चौथे रैंक पर है। हाँ देखिए, मैंने मंकी किंग से ये डांस सीखा था, देखिए ये वाला, ऐसे, हाँ ऐसे और ऐसे, ठीक है मैंने कर लिया, अब मेरा प्राइस मुझे दो। लेकिन फिर भी इसमें से तुम्हें सिर्फ एक डेरी मिल्क ही मिलेगी। सर मेरा डांस सर्कस था। सर मेरा डांस याद करके पागल हो गए हैं, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है बकवास था? अब मैं वो नाम बताने वाला हूँ जो फर्स्ट रैंक पर है, प्लीज भगवान इस बार पास करा दो, ठीक है लाडू चढ़ाऊंगी। और मैं भी पहले नंबर पर जो है उसका नाम है ललिता लीजा। सुना सुना तुम सब लोगों ने, वो मेरा नाम है, वो मैं ही हूँ जिसका फर्स्ट रैंक आया है। सुनो, अरे देखो तो उसे कैसे उड़ रही है। और ये दूसरा नाम क्या है, छपरा छपरी। सर वो मैं हूँ, छपरी रूस। हाँ तो तुम लोगों को ये प्राइज मिलते हैं, घड़ी डिटर्जेंट के पाउडर और उसके साथ एक मुफ्त में साबुन तुम्हारी मुलायम त्वचा के लिए। नहीं, ये सब देखने से पहले मैं अंधी क्यों नहीं हो गई? बताइए भगवान मुझे, मैं घी के लड्डू नहीं चढ़ाने वाली। तो आज का टेस्ट यही खत्म होता है, मैं राजू हमेशा ब्लैक पिंक से जुड़े रहे, हाय गुरे। चलो नादान परंदियों, शो खत्म हुआ, पैसा हजम हुआ, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ जा रहे, कभी मत आना इधर। हमारे प्राइजेस कहाँ है?